स्टॉक मार्केट मतलब ही वोलेटिलिटी, कभी प्राइस ऊपर जाती है तो कभी नीचे आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है और कैसे हम स्टॉक मार्केट के इस नेचर को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वोलेटिलिटी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे वोलेटिलिटी कितने टाइप्स की होती है, ऑप्शन की वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी को हम कैसे यूज करते हैं। चलिए वोलेटिलिटी के बारे में समझते हैं। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो वाइड प्राइस फ्लक्चुएशंस इन स्टॉक इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी कितने टाइप्स की होती है? वोलेटिलिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और इंप्लाइड वोलेटिलिटी। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी मेजर करने के लिए हम ओवर अ ईयर एक स्टॉक के एवरेज डेली फ्लक्चुएशंस को कैलकुलेट करते हैं। इंप्लाइड वोलेटिलिटी किसी इवेंट के होने के पहले एंटिसिपेशन में बढ़ती है या फिर घटती है, एंड ऑप्शन प्राइसेस इंक्रीज एंड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द इंप्लाइड वोलेटिलिटी। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू मेजर वोलेटिलिटी। एक स्टॉक की वोलेटिलिटी को मेजर करने से पहले हम उस स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग प्राइस या फिर डेली रिटर्न को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी का एक स्टैंडर्ड डेविएशन 10% है तो निफ्टी में उसके करंट प्राइस से अगले 12 महीनों तक हम 10% ही मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बोथ अप एंड डाउन। मंथली और ईयरली डेविएशन निकालने के लिए हमें अंडरलाइंग एसेट के डेली एवरेज रिटर्न को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, 30 दिन एक महीने के लिए और 252 दिन एक साल के लिए। इसका जो भी कैलकुलेशन आता है उसे हमें 30 और 252 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह करने से हमें उस एसेट का मंथली या ईयरली स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं इंप्लाइड वोलेटिलिटी को यूज कैसे करते हैं। इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द रेंज ऑफ अ गिवन स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक 100 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और उसके ऑप्शन की इंप्लाइड वोलेटिलिटी 10% है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले 12 महीनों में वो स्टॉक दोनों साइड 10% तक स्ट्रेच कर सकता है, मीनिंग 110 ऊपर की तरफ और 90 नीचे की तरफ। दिस डेटा हेल्प्स अस इन यूजिंग आवर स्ट्रेटजी मोर इफेक्टिवली। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। टेल अस व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.